किसानों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर किया धमतरी कलेक्ट्रेट का घेरा। धमतरी किसान संघ दक्षिण मगरलोड वनांचल सिंहपुर क्षेत्र के 40 गांवों के किसान अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्टोरेट का घेराव करने पहुंचे थे। किसानों ने बताया कि वे लंबे समय से अपनी इन मांगों के लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। इसी वजह से आज 40 गांवों के किसान बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट का घेराव करने पहुंचे। आपको बता दें, किसानों मांगे निम्न प्रकार है। सिंहपुर सोसाइटी में DAP खाद की पूर्ति तत्काल की जाए। सिंहपुर में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाए। फसल बीमा का लाभ वंचित किसानों को दिया जाए। मोहेरा और मूलगाम को सिंहपुर सोसाइटी से पृथक कर नवीन सोसाइटी बनाई जाए। रबी फसल में हाथियों से हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। फसल अनावारी की रिपोर्ट किसानों की उपस्थिति में बनाई जाए। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मगरलोड में खाते की एंट्री तत्काल शुरू की जाए। खाद मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। व्यापारी मंत्री डीपी खातू खुले का वो खाद मिल मिल ना सब बोलते व्यापारी लेकर ज्ञापन ले। अभी हमारे किसान भाई मन संबोधित करेंगे अध्यक्ष। हाँ, आप भी दो सप्ताह उसके बाद में बोलते रहोगे लगातार। अगला सरपंच है जी हमारे करा जी, बच्चा दूंगा पहले जी। हाँ, नाम बताएंगे कहाँ से हैं, क्या क्या मांग लेके? रामायण सिंह है, किसान संघर्ष संघ दक्षिण मगरलोड का अध्यक्ष हूँ। हमारे किसानों के सास्वती मांगों को लेकर के हम जिला कलेक्टर घेराव करने के लिए आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। पहला जो मांग है डीपी खाद हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो कि 500 टन डीपी खाद सोसाइटी में चाहिए सिंहपुर सोसाइटी में, वहाँ नहीं मिला अभी तक। दूसरा जो मांग है सिंहपुर सोसाइटी के अंतर्गत मोहेरा और मूलगांव है, उसको नवीन शाखा की स्थापना हो। तीसरा जो मांग है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का शाखा सिंहपुर में स्थापित हो। चौथा जो मांग है फसल बीमा योजना का लाभ जिन किसानों को नहीं मिल पाया है उन किसानों के क्षेत्रों में जाकर के फसल बीमा योजना का लाभ तत्काल दिया जाए। और हाथी से जो नुकसान हुए फसल है रही कोई फसल में उन फसलों का उचित मुआवजा तत्काल प्राप्त हो। और एक जो मांग है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा मगरलोड में पासबुक एंट्री, कभी भी जाते हैं किसान लोग परेशान होकर वापस लौटते हैं कि पासबुक एंट्री तत्काल नहीं होता, उसको तत्काल किया जाए किसान की मांग करने पर। ऐसी हमारी मांग है। खाद नहीं मिलने से अगर खाद हम लोगों को और ये जो सातों मांग है उसको पूर्ति नहीं होता है तो हम लोग सियावा चौक में अगले एक सप्ताह के बीच में धरना देंगे और चक्का जाम करेंगे। और ये मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ भूपेश बघेल सरकार को, जिला प्रशासन को। हम किसान हैं, किसान धान बोना जानते हैं। अगर हम किसानों की बातों को नहीं मांगे तो धनिया बोना भी जानते हैं। ये पीने पिलाने की बात और पीने पिलाने वाली बात, जो खाद्य अधिकारी आया था वो हम लोगों को किसानों के पूरे किसानों के ऊपर दारू पिया गया और आरोप लगा गए हैं उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई। किसान को दारू पीने वो खुद बोला है कि दारू भट्टी साफ, तो किसान कहाँ से दारू पिएगा? सर ये क्या आंदोलन चल रहा है? ये किसान संघर्ष समिति दक्षिण मगरलोड के द्वारा जो है अपनी सात बिंदु मांग रखी गई थी, उसमें उनके द्वारा खाद की मांग की जा रही है और इसमें उनको बताया गया है कि यथाशीघ्र जितना संभव हो सकेगा उनकी मदद की जाएगी और जो खाद है उसकी उपलब्धता के आधार पर वितरण किया जाएगा। सर उनका आरोप है कि किसी ने सरकारी बात शराब पीकर बात करने का, इससे नाराज होंगे कि इस प्रकार की तो कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। यदि ऐसा कुछ जानकारी संज्ञान में आती है तो फिर उस पर विचार करके आगे हो सकता है।